नमस्कार एंड वेलकम टू ई स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं या आपके परिवार में कोई भी 12वीं पास है और इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, तो इंडियन नेवी की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें 1400 कुल पोस्ट यहां पर जारी किया गया है, ठीक है। और इंडियन नेवी में दोस्तों मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ 12वीं पास यहां पर मांगा गया है। तो यहां पर दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में नहीं रहने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। इस भर्ती से मैं आपको सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन के लिए गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर दोस्तों जो इंडियन नेवी में जो वैकेंसी यहां पर निकल के आई है, ये अग्निवीर के तहत यहां पर वैकेंसी निकल के आई है, और SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट 01/2023 के अंतर्गत बैच के अंतर्गत यह वैकेंसी यहां पर निकल के आई हुई है, ठीक है। मैं इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि इसका जो एडमिट कार्ड है कब आएगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, आपको ट्रेनिंग पे कब जाना होगा, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर टोटल जो पोस्ट यहां पर निकाला गया है दोस्तों, 1400 यहां पर कुल पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें मेल पोस्ट की बात करें तो 1120 कुल पोस्ट मेल की यहां पर सीटें जो है यहां पर निकाली गई हैं, और फीमेल की बात करें तो 280 सीटें फीमेल कैंडिडेट की है, ठीक है। इसके अलावा बात करें एजुकेशन, देखिए एजुकेशन को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि यहां पर क्या हम जो आर्ट्स वाले करते हैं वो क्या अप्लाई कर सकते हैं, कि जो SSR नेवी में जो वैकेंसी आती है उन पोस्टों में। देखिए यहाँ पर इसके बाद दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एजुकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए मैथमेटिक्स यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट से, ठीक है, 12th होना चाहिए मैथमेटिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट से, लेकिन आपका एक जो विषय है केमिस्ट्री बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से किसी एक विषय यहाँ पर होना चाहिए। आर्ट्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ना इसमें कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज के बारे में बात करें दोस्तों, तो एज का यहाँ पर देखेंगे 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 के बीच जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, मतलब इस डेट ऑफ बर्थ के अंतर्गत, यानी कि 1 मई 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए, 31 अक्टूबर 2005 के बाद वाला डेट ऑफ बर्थ नहीं काउंट किया जाएगा, समझ गए। इसके अलावा बात करें इसमें दोस्तों आपको एप्लीकेशन फीस भी यहां पर देना होगा, एप्लीकेशन फीस मात्र ₹550 देना है, साथ में यहां पर GST भी आप ही को देना है 18%, तो टोटल हम मिला दें तो ₹649 पे जो है आपको यहां पर करना है। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या ATM यहां पर जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और यहां पर दोस्तों हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों आपका जो पेपर जो है कितने कितने मार्क्स का होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, तो यहां पर दोस्तों देखिएगा आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और यहाँ पर 4 अलग अलग पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हिंदी से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन और जर्नल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और 1 घंटे का समय दोस्तों आपको मिलता है, यानी कि 60 मिनट आपको दिए जाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपको ईच सेक्शन यानी कि यहाँ पर जो 4 सेक्शन है हिंदी साइंस मैथ यहाँ पर जर्नल अवेयरनेस का, इन सभी सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होता है। इसके अलावा 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर फिजिकल क्या क्या रहता है, देखिए फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर मेल की जो रेस होती है दोस्तों 1600 मीटर की जो रेस होती है, इसको दोस्तों यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होता है, और फीमेल कैंडिडेट को जो रेस है 1600 मीटर की ही 8 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अगर हम स्क्वाड यानी कि उठक बैठक की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 20 उठक बैठक करने होती है और फीमेल कैंडिडेट को 15, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर पुशअप की बात करें तो मेल का 12 पुशअप यहाँ पर करना होता है, इसी प्रकार से बेंच नी सिटअप्स जो होते हैं मेल का यहाँ पर जो है नहीं लिया जाता, लेकिन फीमेल का 10 यहाँ पर करना होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट की,
तो देखिए दो दिन बाद आज 6 तारीख 6 दिसंबर है, यानी कि 8 दिसंबर से इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 17 दिसंबर तक फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है। तो आपके परिवार में जो भी कैंडिडेट 12th साइंस से पढ़े हुए हैं, जिनका सब्जेक्ट जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस लिए हों 12th में, उनका ये फॉर्म दोस्तों जरूर फिलअप करवाइएगा, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 दिसंबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, ठीक है, तो एडमिट कार्ड दोस्तों जनवरी फरवरी 2023 के बीच आपका एडमिट कार्ड रिलीज करा दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट दोस्तों अप्रैल 2023 तक आपका मेरिट लिस्ट फाइनल जो है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनका फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पर आउट कर दिया जाएगा। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें कि आपका ट्रेनिंग कब से चालू होगा, यानी कि सिलेक्शन हो गया, सब कुछ आ गया, आपका जो ज्वाइनिंग वगैरह लेटर वगैरह सब कुछ आ गया, तो ट्रेनिंग कब से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो ट्रेनिंग दोस्तों मई 2023 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और ये जो है INS यहाँ पर चिल्का उड़ीसा में आपका ट्रेनिंग वगैरह जो है यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।